आज जैसे ही सुबह सुबह उठा तो भाई ने पकड़ा दी गाड़ी की चाबी और चाय, और यहाँ से मैं निकल पड़ा वापस गाड़ी के लिए। गाड़ी आगे जो एक और वाड़ा बना रखा है उसमें छोड़ रखी है, और कारीगरों को चाय भी लेनी है और गाड़ी भी निकालनी है। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है, और मैं चलता हूँ गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ देखा तो गाड़ी बिल्कुल खड़ी है और गाड़ी की नंबर प्लेट भी लगी हुई है। कुछ नंबर प्लेट में मेरे को डाउट लग रहा है कि फिटिंग सही नहीं हुई होगी, तो इसको भी चेकआउट करेंगे अपन। गाड़ी को देखा, गाड़ी पूरी तरीके से शाम को ही लोड करके रख दी गई थी। और यहाँ से अब देखते हैं गाड़ी को खोल के अंदर से। दो दिन हुआ मैंने देखा नहीं है गाड़ी को अंदर से, तो गाड़ी को किया अनलॉक। तो गाड़ी को अंदर से खोल के देखते हैं। अंदर खोल के देखा तो एक और अंदर गाड़ी के अंदर काम करवाया है। ये क्या करवाया गाड़ी के अंदर देख लीजिए, आप भी कमेंट करके बता सकते हो। ये मैटिंग का काम हुआ है इसका, भाई बोल रहे थे लगभग 2500 से 3000 के आसपास खर्चा आया है। पूरी अंदर की तरफ मैटिंग करवा ली है, अब सिर्फ काम बाकी है तो डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले का काम डिस्प्ले करवानी है भी करवाएंगे तो टाइम मिलने पर। और सीट कवर अभी कंपनी ने दिया नहीं है, तो सीट कवर देगा शोरूम वाला, तो वो भी लगवा देंगे। अब गाड़ी को सिंपली स्टार्ट कर दिया है और गाड़ी आवाज़ भी कर रही है, टू 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 सेंसर आवाज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है पीछे कुछ हो। मैंने आगे से चेक किया, नंबर प्लेट थोड़ी सी जो है हिल रही है, फिर भी कोई नहीं इश्यू है ज़्यादा इसमें, क्योंकि दो जो स्क्रू ही लगते हैं दो लग गए हैं, थोड़ा बहुत तो इसमें ये हिले गई। अभी यहाँ से मैं पीछे की तरफ चल लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि पीछे कुछ है तो नहीं जिसकी वजह से सेंसर आवाज़ कर रहे हैं पीछे वाले। तो पीछे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। अभी गाड़ी को सिंपली जो है हैंड ब्रेक निकाल के सेल्फ डाल लिया है पहले से भी, हैंड ब्रेक को करते हैं आउट और गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं पार। सिंपली फर्स्ट गियर डाल के फिर लगानी पड़ेगी आगे ले जाके रिवर्स। सिंपली अपन ने यहाँ से रवाना हो गए हैं आगे, बाहर लेके गाड़ी को लगा लेता हूँ जो है अपनी प्रॉपर तरीके से। यहाँ से पहले ले लिए गाड़ी को, बाहर ले लेते हैं यहाँ से अपन वापस। आगे रिवर्स लगवानी पड़ेगी तो पीछे देख के आराम से इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ इजीली। पीछे मिरर में भी देखना पड़ेगा, पूरा ध्यान रख के गाड़ी को रिवर्स करना पड़ेगा, ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो इजीली आराम से करेंगे अपन। तो यार सिंपली करके आगे लगा दी रिवर्स, थोड़ा माल और अंदर लोड करना है तो वो भी कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली देख लिया है, नंबर प्लेट का ज़्यादा कुछ इश्यू है नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।